लगातार आगे बढ़ने के लिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हमारा अपना प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार ने लगभग 100 दिन का समय मिला, समय कम था, लेकिन फिर भी निर्णय किया है कि हमारी सरकार आने वाले समय में भगवान राम, भगवान कृष्ण, जैसे चित्रकूट में भगवान राम आए, उज्जैन में पढ़ने आए, उज्जैन में कृष्ण भगवान पढ़ने आए, धार के पास अमझेरा में रुक्मणी से युद्ध हुआ उनका, ऐसे नारायण धाम पे भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हुई, ऐसे हर एक स्थान पे जहां जहां भगवान राम और कृष्ण गए, उनके चरण पड़े, उस स्थान को तीर्थ बनाएंगे हमारी सरकार के माध्यम से। ये हमने फैसला किया, फैसले तो इतने सारे कि समय कम हो जाएगा, लेकिन आज समय की कमी है। हम और आप सब मिलकर अब 2024 का निर्णय करें। आने वाली 7 तारीख को ये दुर्गादास उइके जी खड़े हैं, इनके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करो और भगवान कृष्ण को मुस्कुराता हुआ हम मथुरा में देखेंगे। बोलो सब तैयार है, तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और बांध लो मुट्ठी और संकल्प करो, एक एक वोट जब तक नहीं पड़ जाए तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे, भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। और जहां जहां तक आपकी रिश्तेदारी नातेदारी है, अभी एक बात चल रही है, थोड़ा उससे बचाना, हर एक को अपने मतदान का अधिकार है और मताधिकार जरूर करना। कुछ भी हो जाए, खेत खलिहान में नुकसान हो जाए, कोई शादी का वो छोड़ना पड़े, कुछ भी